धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, या यूं कहें देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी की प्रतिष्ठित एवं पुरातन विरासत तथा संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए वाराणसी में 3 दिवसीय कार्यक्रम काशी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से इस आयोजन में गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र और श्री जयशंकर प्रसाद जैसे सदियों पुराने कवियों तथा लेखकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन सेंटर में 16 से 18 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और वाराणसी प्रशासन के सहयोग से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। उत्सव के प्रत्येक दिन के लिए एक विषय निर्धारित किया गया है और ये है काशी के हस्ताक्षर कबीर रैदास की वाणी और निर्गुण काशी तथा कविता और कहानी काशी की जुबानी। कार्यक्रम का पहला दिन प्रख्यात साहित्यकारों भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्री जयशंकर प्रसाद पर केंद्रित होगा। दूसरे दिन प्रमुख कवि संत रैदास और संत कबीर दास पर प्रकाश डाला जाएगा तथा उत्सव के अंतिम दिन गोस्वामी तुलसीदास और मुंशी प्रेमचंद्र केंद्र बिंदु के रूप में होंगे। नामी कलाकार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास 16 नवंबर 2021 को मैं काशी हूँ विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जबकि सदस्य संसद मनोज तिवारी महोत्सव के अंतिम दिन तुलसी की काशी पर एक संगीतमय प्रस्तुत देंगे। उत्सव के दौरान कालापिनी कोमकली, भुवनेश कोमकली, पद्मश्री से सम्मानित भारती बंधु और सुश्री मैथिली ठाकुर जैसे कलाकारों द्वारा कई भक्तिमय कार्यक्रम भी प्रस्तुत होने हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के कलाकारों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित एक नाटक खूब लड़ी मर्दानी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे 18 नवंबर 2021 को NSD के भारती शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा 16 नवंबर 2021 को जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी डांस ड्रामा पर आधारित एक और नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। इस नाटक का निर्देशन वाराणसी के वयोमेश शुक्ला ने किया है। इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।